हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल महाजू वैली में और हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में। तो दोस्तों, वहाँ देखो उस चोटी में पार इतनी सारी बर्फ़ गिरी हुई है और हमारे घर तो नहीं पड़ी, हमारे गांव में तो नहीं पड़ी बर्फ़, क्योंकि क्या बोलते हैं, पिछले कल वैसे थोड़ी थोड़ी पड़ने लग गई थी बर्फ़, लेकिन साथ साथ पानी लग रहा था तो फिर बर्फ़ नहीं जम पाई थी। लेकिन ये चीज़ देखे ना, वो वाली पहाड़ी देखे ना, इतनी खुशी हो रही। और अभी है जी ग्राउंड में, और ग्राउंड में आए हम खेलने, और ग्राउंड थोड़ा सा गिला गिला हुआ है तो चलो इसको साफ़ करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे दीदी साफ कर रहे हैं कीचड़ ग्राउंड पूरी तरह से, इधर कीचड़ बन गया है जो हमने खुद से। तो दोस्तों, हमारा लगभग ये जितना भी इसमें पानी था वो निकाल ही दिया है, लेकिन हमने ये गलती कर ली है इसमें कि हमने मिट्टी डाल दिया है और ये ऐसे कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। इसको सुखाने के लिए रखते हैं, तब तक हम जाते हैं घूमने। तो दोस्तों, हमारा ग्राउंड तो वैसे थोड़ा बहुत सूख ही गया है और इसको सुखाने के लिए रखते हैं। आधे तीन घंटे के बाद हम अपने खेत से भी आ जाएंगे। मैं और पार्थ जा रहे हैं खेत को, और ये पार्थ, ये मेरा कज़न है। और तो स्मार्ट, चलो जब मैं पूरे अपने बगीचे में पहुँच जाएंगे ना, वहाँ पर दिखेंगे आपको सेब के पेड़ दिखेंगे और नाशपाती के पेड़ भी दिखेंगे और प्रून के, चेरी के, अलग अलग वैरायटी के। तो दोस्तों, कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। और ये देखो, ये है जी हमारे नाशपाती के पेड़, और इसके साथ सीढ़ी रखी हुई है। सीढ़ी ये इसलिए रखी है यहाँ पर ना, जैसे पौधों की कटिंग करनी होती है ना, जैसे ये काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है ये देखो, तो फिर इसमें चढ़ के ऊपर कटिंग करते हैं। और ऊपर भी हमारे बहुत सारे खेत हैं अभी ऐसे करके, मतलब हमारे खेत ना सीढ़ी नुमा है। तो दोस्तों, इन खूबसूरत वादियों में है मेरा बगीचा, घर और हमारा सुंदर सा गांव यहाँ पर बसा हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो ये वाली पहाड़ी है ना, बर्फ़ से ढकी हुई है, और सुबह के टाइम तो बिल्कुल पूरी थी, अब तो नीचे नीचे से ये होगी कि बर्फ़ चली गई है, क्योंकि धूप खिली हुई थी ना आज दिन में। तो क्या बोलते, इस पहाड़ी से ना मेरी नज़र नहीं हट रही, जैसे भी मैं, मतलब चाहे ये वाली पहाड़ी में देखूँ चाहे ये वाली पहाड़ी, पर सबसे सुंदर पहाड़ी ना मेरे को वही वाली लग रही है। इसमें ना मेरा दिल आ गया, मन करा मेरा कि यहाँ पर जाके ना बहुत सारी बर्फ़ ऐसे करनी और ऐसे उछालनी और ऐसे ऐसे गोल 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 घूमना है। खैर, अभी चलते हैं बगीचे की तरफ। चलो, अच्छा पेड़ है जी, सेब का पेड़ है ये। तो दोस्तों, मैं तो ना बस एक खेत में ही चलते चलते थक गई हूँ, लेकिन अभी जाना हमारे को दो तीन खेत तक ऊपर, तो चलो मेरे साथ आ जाओ, खेत में आपको घुमाऊंगी। ये भी ऐसा ही है, मिक्स है ये भी खेत, मतलब इसमें भी सेब के पेड़ भी है, नाशपाती के पेड़ भी है। और थोड़ा सा कैमरा ऐसे रोटेट कर लो, तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी ऊपर वाले खेत के लिए। अभी हम बहुत मस्ती करने वाले हैं वहाँ पर, और मेरे साथ बहुत सारे हैं, और जब तो हम बहुत सारे होते हैं तब तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और दोस्तों, आप साथ साथ में ना यहाँ का व्यू भी इंजॉय करो। ये देखो नीचे, यहाँ पर इतनी सुंदर झील है और साथ में बड़ी बड़ी पहाड़ी। सबसे ऊपर वाले खेत की तो हालत ख़राब हुई है, पीछे कुछ झाड़ियाँ झाड़ियाँ काटने के लिए। खैर, नीचे वाले खेत काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये हमारा गाँव, हम घूम लिए हैं अपने दो तीन चार एक खेत मस्त से, अब जा रहे हैं घर की तरफ के लिए। अब देखना है हमारे को कि क्या हमारा ग्राउंड सूख गया है। मुझे लग रहा है कि अभी तक कुछ खास व्लॉग बनानी है हमारा, और बच्चे भी कोई खेलने आएंगे नहीं क्योंकि बहुत गीला हो जाता ना यहाँ पर। तो हम अपने व्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करेंगे पहाड़ी नाटी। तो चलो सब करते हैं हम पहाड़ी नाटी।
तो गाइस जिनकी मैं आपको इससे पहले बात करी थी कि भैया लोग आ रहे हैं, तो भैया आ गए हैं दोनों भाई खेलने। बैठ लो भी जो। हाँ तो चलो अब हमने बहुत डांस कर लिया, अब करेंगे, अब खेलेंगे हम मैच। तो चलो, तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि हम खेलने लगे थे, तो खेलना तो हमारा पापा ने बंद कर दिया था कि भाई जाओ अपने अपने घर जाओ, ऐसे बीमार हो जाते हैं, सर्दी पड़ रही है ना, मतलब कि बहुत हवाएं चल रही है, अब थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बारिश लग रही थी। अभी कर रही है लकड़ी इकट्ठी क्योंकि अब बारिश लगने वाली है, ऐसी हवा लग रही है, ऐसी ठंडी हवाएं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है अब तो मेरे को भी। और अब आग जलाते हैं और फिर मस्त से बैठ जाते हैं, ये देखो मेरे बाल कैसे उठ रहे हैं, और मस्त से बैठ जाते हैं तंदूर के पास। दादू क्या आज बर्फ गिर सकती है? गिर सकती है और क्या है ना, देखो आर पार सब जगह ना होने वाली है, बर्फ लग रही है ना आर पार। और मेरे को बोला दादू ने कि भाई अब तू ना आग जला ले, और तो चलो आग जलाते हैं, ऐसी ठंड लग रही है भयानक वाली, ये देखो यहाँ पर मैंने आधी लकड़ी रख दी है। दादू ने तो बेचारों ने इतना सारा काम करा ना अभी तक, क्या बोलते दादू ने ना लकड़ी फाड़ी, और अब दादू को ठंड लग रही थी, मैंने दादू को आग जला के दे दी है। और ये है जी लकड़ी का ही गर्द पड़ा हुआ है, और पापा ने मोटी मोटी लकड़ियाँ ना मशीन से काटी थी, और उसका गंदा पड़ा हुआ है, जैसे बारिश लगेगी ना तो ये सारा धुल के ना ऐसे ही हमारी पैड़ियों में ही रहेगा, इसका जम जाएगा, इसलिए मैं उसको ना अभी झाड़ू लगा रही हूँ उसमें। और दोस्तों आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मैं करती हूँ अब काम।